सोनिया, जी मामू, कोई काम था? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। क्यों, मैंने क्या किया? मेरे घर में आग लगाकर तुम कह रही हो कि मैंने क्या किया है? अगर यास्मीन के दुखों का ख्याल नहीं होता ना, एहसास नहीं होता मुझे, तो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में नहीं रखता मैं। मेरी आदत नहीं है किसी पे एहसान जताने की, लेकिन तुमने ये सब कहने पे मुझे मजबूर किया है। काश काश मैंने तुम्हें इस घर में रखने का एहसान ना किया होता। ये कह रही थी मुझे कि कादर की मंगनी सोबिया से नहीं करनी, मैंने इसकी बात नहीं मानी। अगर मुझे तुम्हारी खसलत का जरा भी एहसास होता तो बेटे का क्या कहूं मैं, वो तो शुरू से ही ऐसा है। अगर मैं उसे रोक भी लेता तो तुम्हारा जो फैसला है, तुम्हारे जेन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रही हो, मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। एक बात मेरी याद रखना, मेरे जीते जी हारिस की शादी तुमसे नहीं होगी। पर अगर उसने ऐसा किया तो इस घर पर, हम पर और हमारी किसी भी चीज पर उसका कोई इख्तियार नहीं होगा, चाहे वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले। मेरा फैसला यही है। अगर कादर से तुम शादी कर लेती तो तुम्हें ये मकाम और इज्जत मिल जाती। ये जो तुमने गलती की है ना, उसके बाद इस घर में तुम कोई जगह भी नहीं अपनी बना सकती और ना ही कोई हैसियत। Come in. I said come in. Sophia, why are you crying? Kyun ro rahe ho? Sir,
सोफिया, मुझे ना ये रोती धोती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली तो बताओ क्या हुआ है, एंड प्लीज स्टॉप क्राइंग। अरे कहो क्या हुआ है। आप देख लें, आपके लिए मुझे इस घर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। अभी मामू मुमानी ने मुझे इतनी बातें सुनाई है, सबके सामने बेइज्जत की है, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही सिर्फ आपकी खातिर। गलत, मेरी खातिर नहीं, उस मोहब्बत की खातिर जो तुम्हें मुझसे है। मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, पहली नजर में तिलवार बैठी ना तुम भी। पर तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी मेरे लिए यही सब कुछ करने को तैयार होती जो तुम कर रही। पर मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, ये सब बातें तो बर्दाश्त कर ही सकती। मामू मामानी कह रहे थे कि वो मेरी आपसे कभी शादी नहीं होने देंगे, और अगर हो भी गई तो वो आपको हर चीज से बेदखल कर देंगे। ओ, तो तुम्हें इस बात की परेशानी है कि कल को मेरे बाप का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। बेवकूफ हो तुम, अंदाजा नहीं है तुम। मेरी एजुकेशन, कैपेबिलिटीज, मेरी जॉब, किसी का मैं खुद के बल पे खुद को एक लग्जूरियस लाइफ दे सकता हूं, और तुम्हें भी। देखो जो जो कुछ भी वो कह रहे हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि एंड में होगा वही जो मैं चाहता हूं। और तुम्हें ना इन सब की बातों की इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, परवाह करनी है तो मेरी कर। सिर्फ और सिर्फ मेरी। और वो करो जो मैं कहता हूं, राइट? आपके लिए तो मैं जहर भी खा रहा हूं। फिर ये छोटी मोटी परेशानियां तो मान ही नहीं रखती मेरे लिए। अच्छा लगा चुका तुमने, हारिस गजलबाज को खुश कर दिया तुमने। चलो फिर इसी खुशी में तुम्हें कहीं बाहर लेके चलता हूं। क्या सच है ना? बस ये जो तुमने पहन रखा है ये मुझे पसंद नहीं। तो मैं कपड़े बदल कर आती हूं। कादिर कादिर कादिर, हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना बेटा। अब देखना, तुम्हारी मंगेतर को तुमसे छीन के तुम्हारे सामने अपना बनाऊंगा, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे।